हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कलेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना डेटाबेस बना लेते हैं। हम डेटाबेस बनाने के लिए कीवर्ड यूज़ करते थे, यूज़ डेटाबेस का नाम लिखते थे। तो मैंने टेस्टिंग डीबी नाम का एक डेटाबेस या फिर टेस्टिंग नाम का एक डेटाबेस बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कलेक्शन क्रिएट करना है। तो कलेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखो हम यूज़ करते हैं डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन और ब्रैकेट में हम अपने कलेक्शन का नाम दे देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट्स, ओके एंटर। तो ये क्या आ गया, ओके आ गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। हम एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अगर हम इसको क्या करें, अब शो डेटाबेस करें, शो डेटाबेसेस। तो देखो पहले हमारे पास ओनली 3 डेटाबेस शो कर रहे थे, अब हमारे पास चौथा भी डेटाबेस शो कर रहा है, टेस्टिंग। ठीक है, तो अगर हम ऐसे क्या कर सकते हैं, हम कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, so I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.